आज श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई है, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। सिवान शहर के गांधी मैदान से ये शोभा यात्रा निकाली गई है और तमाम बड़े नेता सिवान के यहां मौजूद हैं। पुलिस के बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं सिवान ब्रह्मोत्सव सेवा समिति के कई सदस्य हैं। सीधे बात करते हैं राहुल जी, जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है कुछ कहेंगे? अरे आज पूरा भव्य शोभा यात्रा निकला है। 2024 में राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और पूरा हिंदू जनमानस आज पूरे शोभा यात्रा में शामिल होगा और राम जन्मभूमि का हर्ष और उत्साह पूरा शिवा में मनाया जा रहा है। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा इंतजाम प्रशासन बहुत धन्यवाद है, सभी लोग सड़कों पर है और ये अच्छा शुरुआत है। और यहाँ देख सकते हैं कौमी एकता का प्रतीक ये भाई साहब है, देख सकते हैं दोनों धर्मों के लोग यहाँ पे हैं। क्या कुछ कहेंगे भगवान श्री राम? किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग हर्षोल्लास से रामनवमी के त्यौहार मना रहे हैं। जीशु जी है यहाँ पे, विकास सिंह और जीशु सिंह जो जदयू के नेता हैं। सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई सिवान के शहर वासियों को, सिवान वासियों को, बिहार वासियों को, भारत के वासियों को, काफी बहुत। और ये आज शोभा यात्रा ऐतिहासिक हो रही है, जबकि आप देख रहे हैं चुनाव का मौसम है, सीजन इतना तपती धूप है, कड़क है, लेकिन फिर भी उत्साह लोगों का कम नहीं है और सिवान शहर पूरा भगवामय हो गया है और जगह जगह यहाँ पे शरबत और इस सब का व्यवस्था कराया गया है। इसके लिए हम कुछ मुसलमान भाई भी अपने तरफ से व्यवस्था कराए, इसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान कौमी एकता का प्रतीक रहा है, आपके साथ मुसलमान भाई भी? देखिए हमारे साथ तो हमेशा ये लोग रहते हैं और ये एक कौमी एकता मौलाना मजहूल साहब की धरती पे कौमी एकता के प्रतीक का ये सिवान रहा है, कर्म भूमि रहा है, इसलिए हमेशा ये ईद हो, बकरीद हो, रामनवमी हो, सभी भाई आपस में गले मिल के और मनाते हैं और शुभकामना देते हैं। ये कुछ और ये पाँच सौ साल के बाद ये रामनवमी अभी हुआ है, असली रामनवमी इस बार हुआ है, राम जी का बड़ा असली है। पहले तो रामलला टेंट में विराजमान है, अभी इस बार भव्य मंदिर में विराजमान है, इसलिए इस बार असली राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में राम भक्त निकले हुए हैं इस शोभा यात्रा में और काफी बड़ी ये भव्य शोभा यात्रा है। राजन जी क्या कुछ कहेंगे इस शोभा यात्रा? आज ये इस वर्ष का 47वां वर्ष का ऐतिहासिक शोभा यात्रा है, इसमें तमाम सनातन धर्म के समाज, तमाम हिंदू हमारे भाई बहन माता भाई सारे लोग रोड पे आ गए हैं और आज का जो ये दिन है रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम जी के शोभा यात्रा में बहुत ही मनमोहक दृश्य अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है और हम लोग जो शांति समिति के सदस्य होने के नाते प्रशासन को जो हमने समय दिया था 11:45 पर, हमने 11:44 पर श्री राम जी की शोभा यात्रा इधर से निकलेगी किस रूट और ये गांधी मैदान से होते हुए मोती स्कूल है होते हुए डीएम साहब के आवास के गेट के सामने निकलेगा, वहाँ से जेपी चौक से बबुनिया मोड़ से होते हुए मखदूम सराय और तेलहट्टा और बेलहट्टा बाजार होते हुए पुनः हॉस्पिटल मोड़ पर आकर बाटा मोड़ होते हुए बाली मस्जिद होते हुए शांति बट ब्रिज होते हुए मोलेश्वरी चौक होते हुए शास्त्री नगर होते हुए पुनः जेपी चौक और पुनः गांधी मैदान में आके समापन हो जाएगा। आप देख सकते हैं महिलाओं की एक लंबी भीड़ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, कुछ अधिकारी क्या कहेंगे सुरक्षा? अभी सर पूरा इंतजाम किया गया है सुरक्षा का हर दृष्टिकोण से, जगह जगह पे सुरक्षा। जी आप देख सकते हैं महिला भक्तों की भी एक अच्छी खासी भीड़ है, हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है इस श्री राम शोभा यात्रा में।